जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों तथा चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 5/11/2024 को थाना विशनपुरा व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 5 अंतर जनपदीय साइबर अपराधी चोर साहबगंज झारखंड गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 115 अदद मोबाइल फोन, भिन्न भिन्न कंपनियों की तथा 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ का विवरण अभियुक्तगणों से पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण घने कस्बों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पहुंचकर बड़ी सफाई से मोबाइल चोरी करने का काम करते थे तथा चोरी की गई मोबाइलों का लॉक तोड़कर यूपीआई जनरेट कर झारखंड व पश्चिम बंगाल में बैठे साइबर अपराधियों के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करा लेते तथा बाद में उक्त चोरी के मोबाइल को झारखंड, बिहार व बंगाल में सस्ते दामों पर बेच देते हैं। जनपद कुशीनगर में मोबाइल चोरी के संबंध में जो मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे उनसे भी संबंधित कई मोबाइल बरामद हुई है। नगर में साइबर गैंग एक उसको बोस्ट किया गया है, साइबर क्रिमिनल का गैंग है ये। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये गैंग झारखंड, जामताड़ा, साहबगंज, बिहार इन एरिया का रहने वाला है। इनके पास से 115 मोबाइल फोन अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए की वो बरामद किया है। ये गैंग जनपद कुशीनगर एवं आसपास के जिलों में एक्टिव था और ये लोगों के मोबाइल को चोरी करके उसके माध्यम से झारखंड, वेस्ट बंगाल में बैठे साइबर क्रिमिनलों की मदद से लोगों का पैसा वहां ट्रांसफर कराते थे विभिन्न अकाउंटों में, और साथ ही साथ इन मोबाइल जो चोरी के मोबाइल है उसमें यूपीआई वगैरह जनरेट करा के फोन पे, पेटीएम से पैसा ट्रांसफर कर लेते थे। साथ ही साथ इन मोबाइल के माध्यम से लोगों को फेक कॉल करके उनको पैसा लॉटरी लगने का इत्यादि का झांसा देकर उनके जो अकाउंट है उसमें एंट्री पाकर पैसा निकाल लेते थे। इस तरीके से कुल 115 मोबाइल चोरी करके ये गैंग यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। ये जो 5 रहने वाले झारखंड और बिहार, वेस्ट बंगाल के हैं। साथ ही साथ इन पे हमारी टीम इस चीज पे काम कर रही है कि जिन अकाउंटों पे इन्होंने पैसा ट्रांसफर कराया उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इनके जो गैंग के बाकी सदस्य है उनके भी हम लोग काम कर रहे हैं। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है और जो मोबाइल ये बरामद हुए हैं उनको कनेक्ट भी किया जा रहा है। अब तक जनपद कुशीनगर में जो पूर्व में मोबाइल चोरी हुए थे वो भी कनेक्ट किए गए हैं और इसपे जो है अन्य इनके जो साथी हैं उनको पकड़कर भी इसमें गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई इस केस में कराई जाएगी।